हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं एक 1.5 इंची प्लास्टिक का जो कूलर होता है 1440 RPM में, उसके मोटर को वाइंडिंग, उसको रीवाइंडिंग कर रहे हैं हम। तो आप ये मोटर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का पंखड़ी होता है इसमें, ये प्लास्टिक के कूलर्स में मिलते हैं, ओके। और इसका जो रोटर होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 इंची है। और इसका मोटर का जो है डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, इसका जो इनर डायर है 2.5 इंच है इनर डायर, ओके, देख सकते हैं 2.5 इंच। आउटर डायर की बात करें, ओडी की बात करें, तो 4.2 इंच, ठीक है। एंड इसके स्टेटर साइज की बात करें तो वही 1.5 इंच है, पूरा 1.5 इंच है, ओके। तो इसका डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसको जो है हम दोस्तों जो है 3 स्पीड में वाइंडिंग कर रहे हैं, 3 स्पीड में, ओके। तो इसके लिए जो हमने इसमें 4 कॉइलें बनाई हैं जो कि रनिंग की है, सभी कॉइल हमने जो है 25.5 इंच की बनाई है, सारी की सारी, चारों की चारों रनिंग की। और सभी के अंदर हमने 29 नंबर गेज लिया है, 29 नंबर गेज एल्यूमिनियम का, 29 नंबर हमने गेज लिया है, ठीक है। आप 28 भी लगा सकते हो, 29 मौजूद आपके पास नहीं है, 29 से पतला मत करना, ठीक है। तो 29 नंबर में हमने जो है 120 टर्न करें चारों कॉयलों में। अब स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर जो कॉयलें बनेगी वो 3 स्पीड की बनेगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो हम पहले, सबसे पहले रनिंग कॉयल इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बाकी कंप्लीट डाटा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने कॉयल उठा ली है, एक रनिंग की कॉयल है, ओके। तो ये फर्स्ट कॉयल है हमारी, और सारी कॉयल हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और पिच रहेगा इसका 1 से 4, 1 से 6। तो हम 1 से 4 में कॉयल डाल देते हैं पहले, यानी 2 स्लॉट बीच में छोड़ करके कॉयल को डालना है। और डालने के बाद जो है देख सकते हैं, ये आउटर तार है इधर निकला हुआ है, इनर तार इधर निकला हुआ है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनर तार जो हमेशा फर्स्ट तार है लेफ्ट हैंड की तरफ रहे, और आउटर तार जो है हमेशा राइट हैंड की तरफ रहे। और इस पर हम जो है 7 नंबर फिल्म पेपर का यूज़ कर रहे हैं, आप 5 नंबर फिल्म पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर मोटा लगे तो, ठीक है। तो हमने इस तरह से कॉइल को डाल दिया है, ठीक है। आप पीछे की तरफ से देखिए कॉइल को कैसे मोड़ना है, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए अच्छे से। तो यहाँ से आपको कॉइल पकड़ना है इस साइड से, इस साइड से कॉइल पकड़ना है ऐसे, और ये सिरा पकड़ के ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है, इस तरफ लेफ्ट की तरफ करना, और इस वाले स्लॉट में डालना है इसको। इस तरह से डालना है, लेफ्ट वाले में डालने के बाद आपको फिर राइट वाले 1 से 6 में इसको डालना है। ठीक है, तो हमने इसको 1 से 6 में एक बार अब डाल दिया है। अब इस 1 से 6 में इस कॉइल को, बची हुई कॉइल को फिर से मोड़ना है, ऐसे पकड़ के इधर की तरफ मोड़ना है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़कर, और ऐसे के ऐसे इस पर जो है डाल देना 1 से 6 के ऊपर, इधर भी इधर भी। थोड़े थोड़े तार करके आपको डालने हैं, और ध्यान रहे कोई तार टूट ना पाए, कट ना जाए कहीं, ठीक है। तो इसके स्लॉट थोड़े से मोटर के ना भीड़े होते हैं, थोड़ा सा तार डालने में थोड़ी सी आपको हल्की सी दिक्कत हो सकती है, बाकी स्लॉट में जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, कोई दिक्कत वैसी नहीं होती है, ठीक है, तार आराम से आ जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ से थोड़ा बारीक होता है इसमें स्लॉट। उसको डालने के बाद हम इस पर पेपर लगा लेते हैं।
अब इधर भी इस कॉइल को इसी के ऊपर हम डाल देते हैं। तो जैसे मैं इसको डालने के लिए चाकू का यूज़ भी कर रहा हूँ, तो आप चाकू का यूज़ ना करें। मेरे पास जो चाकू, मैं आपको बता दूँ कि बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि सर चाकू से तार कट जाएगा, लेकिन मेरे पास जो चाकू है उसको मैंने घिस रखा है अलग तरह से। इसको जो इसका जो है धार है वो कम कर रखा है, धार को ख़त्म कर दिया है मैंने इसको घिस के रेंग मार वगैरह से, ठीक है। तो अभी तार को काटता नहीं है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इससे तार आप डाल सकते हैं। और मैं नीचे की तरफ का यूज़ करता हूँ हमेशा, तो इससे तार को दबा भी सकता हूँ मैं, तार को दबाने के लिए। तो आप कोई भी ऐसा चाकू ना लें जिससे सब्जी काटने का काम होता हो, या कोई भी धारदार चाकू, नहीं तो तार जो है छिल जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस मेरे पास जो चाकू है इससे कोई तार छिलता नहीं है। या आप लकड़ी का एक फरचट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में दिखा बताता हूँ आपको तार डालने के लिए, तो वो भी अच्छा रहता है। अब इस कॉइल को जो है हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 25.5 इंच का फर्मा बनाया है, इसमें 25 इंच भी आराम से आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, लेकिन आप रनिंग में हम छोटा फर्मा भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर स्टार्टिंग में कॉइल डालने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा फर्मा कर लिया हमने 1/2 इंच। तो देखिए इस तरह से हमने फर्स्ट कॉइल डाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के इनर तार जो है इसको हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं कि टूटे नहीं कहीं उलझ कर। तो ये आउटर तार है, इस साइड से निकला हुआ है। अब हम ऐसे इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमको कौन कौन से स्लॉट लेने हैं, हमको ये स्लॉट छोड़ना है 1 से 6 के लिए, इसमें कॉइल डालना है 1 से 4, और बीच में 2 छोड़ने, 1, 2, और इसमें कॉइल डालना है, इसमें और इसमें कॉइल डालना है हमको अगली। और अगली कॉइल में आपको यही चीज़ें देखनी है कि ये जो कनेक्शन है 1 से 3 में जाना चाहिए, यानी कि आउटर से निकला हुआ है तो इस कॉइल के आउटर में ही जाना चाहिए। मान लीजिए मैं ऐसे कॉइल डालता हूँ तो यहाँ से आउटर इनर में चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो मैं ऐसे डालूँगा तो यहाँ से 1, 2, 3 ये आउटर में चला जाएगा, ठीक है। या बाकी बिना कनेक्शन वाली कॉइल भी जो है यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें बाद में कनेक्शन आप कर सकते हैं, सिंपली होता है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल लेता हूँ, तो आप देखेंगे तार को, ये जो तार है दोस्तों ये इस साइड जा रहा है इधर से होता हुआ, ठीक है। और हर कॉइल का एक तार जो निकलेगा वो इस साइड ही निकलना चाहिए फर्स्ट, इधर। इस कॉइल को भी दोस्तों सेम तरीके से डालना, बिल्कुल सेम तरीके से। तो मैं इसको डाल लेता हूँ 2 बार मोड़ के 1 से 6 में, इस वाले स्लॉट में, इस वाले स्लॉट में। देख सकते हैं दोस्तों हमने एक कॉइल डाल दिया है, इसी तरह से इस साइड को भी 1 से 6 में डाल लेना है। दोस्तों हमने 2 कॉइल डाल के कम्प्लीटली कर लिया है। अब हमको फिर से आगे बढ़ना है, तो आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, फिर वही हमको एक स्लॉट ये वाला छोड़ना है, इसमें कॉइल डलेगी, फिर 2 छोड़कर इसमें कॉइल डलेगी। और तार का वही आपको ध्यान रखना है कि ये तार देखिए इनर से निकला हुआ है इस कॉइल का, तो इसके भी इनर में जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनर इस साइड ही हम रख रहे हैं, तो इस साइड जा रहा है तो ये इनर में ही चला जाएगा। तो इस तरफ देखिए, मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। तो इस कॉइल का इनर तार निकला यहाँ से 1, और दूसरा सिरा 2, और तीसरे सिरे में यहाँ पर चला गया, तो इनर में ही जाना चाहिए आपको। यही चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, और कॉइल को जो है डाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इस कॉइल को कम्प्लीटली जो है डाल लेते हैं दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है ये, थोड़ा सा बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए, और आराम से वाइंडिंग जो है इसकी फैन की जो है हो जाती है। तो हम इसको डाल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने 3 कॉइल पूरे कम्प्लीटली डाल लिए हैं, 2-2 स्लॉट बीच में छोड़ के 1 से 4 में, हम अगला में भी डाल रहे हैं। तो हम इस मोटर को इस तरह से रखेंगे, और देखिए अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि हमको जो है ये स्लॉट छोड़ना है 1 से 6 के लिए, और यहाँ पे हमको कॉइल डालना है, फिर ये छोड़ना है, और ये छोड़ना है, और फिर ठीक है इसमें कॉइल डालना है। तो सेम तरीके से तार वही रखना है इस कॉइल को, जो तार निकला है जो आउटर तार है वो इसके आउटर में ही जाना चाहिए, तो इसके आउटर के अंदर ही आपको ये ध्यान रखना है बाकी, ठीक है।
और जो लास्ट की चौथी कॉइल है जिसका ये तार जो है, ये लास्ट का जो निकलेगा ये इधर ही निकलना चाहिए इस साइड का, तो इसमें एक इनर तार निकल जाएगा था। तो हम इस कॉइल को भी सेम तरीके से जो है इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका रहेगा दोस्तों। इस तरह से हमने सारे के सारे चारों के चारों कॉइल डाल के इंस्टॉल ये कर लिए हैं कम्प्लीटली। अब हम जो है स्टार्टिंग का आपको डेटा बताएंगे, स्टार्टिंग कॉइल के बारे में जानकारी देंगे और उसको इंस्टॉल करने की जानकारी बताएंगे। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अलग कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। देखिए स्टार्टिंग की जो कॉइलें हैं वो चार कॉइलें हैं, और जो पहली कॉइल है स्टार्टिंग की, सबसे फर्स्ट की कॉइल जो हमने बनाई है पहली कॉइल, ठीक है, आप लास्ट की भी रख सकते हो, लेकिन जो हमने पहली कॉइल बनाई है उसके अंदर इस तरह से टर्न किए हैं देखिए, और इसी के अंदर जो है थ्री स्पीड के कनेक्शन भी हैं। तो इसको ध्यान से देखिए आप इस कॉइल को, तो इसमें ये तो कॉइल का पहला इनर तार है ये वाला, तो देख सकते हैं। तो हमने कॉइल में पहले क्या किया कि सबसे पहले 60 टर्न करे, 60 टर्न करने के बाद हमने कॉइल के अंदर जो है एक लूप दे दिया, एक जॉइंट यहाँ पे मतलब एक लूप निकाल दिया, ठीक है, स्पीड के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने कॉइल में फिर से 60 टर्न किए, और 60 टर्न के बाद हमने फिर से एक लूप निकाल दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि 10 टर्न और करे, और 10 टर्न और करने के बाद अगली कॉइल हमने बना दी। बाकी की जो तीन कॉइलें हैं उसमें, उनमें सभी में 120 टर्न है, सभी में कोई लूप वगैरह कुछ नहीं है, सभी में 120 टर्न है, सभी सेम कॉइल हैं, लेकिन ये जो कॉइल है इनसे डिफरेंट है, इसमें ठीक है 60+60 पे दो 60 टर्न, 60 टर्न पे हमने दो लूप दिए हैं और 10 टर्न इसमें एक्स्ट्रा किए हैं, ठीक है 130 टर्न इसमें टोटल हो गए हैं। तो ये हो गया है थ्री स्पीड का लूप। अब इसको हम वाइंडिंग करते हैं, और सबसे पहले हम ये लूप वाली ही कॉइल इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो ये हमारी मोटर, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो हम ज़्यादातर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कनेक्शन हो, या तो लास्ट की कॉइल हो फर्स्ट कॉइल हो, ठीक है। तो हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो अब देखिए आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो कॉइल है 1-4 वाला है, ठीक है, ये जो कॉइल है दोस्तों 1-4 वाला है, यहाँ पे एक जो स्लोट, और इधर भी ये वाला भी 1-4 वाला रनिंग का। तो इन्हीं को दबा के इन्हीं में 1-4 में स्टार्टिंग की डलेगी, और ये भरे हुए दो स्लोट बीच में छूट जाएंगे, और ये जो खाली स्लोट देख रहे हैं 1-6 और इधर भी 1-6 इस तरह से रहेगा। तो इस पेपर को हम दबा लेते हैं 1-4 में, इधर भी, ठीक है। तो पेपर दबाने के लिए बारीक पेचकस का या स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे दबा सकते हैं, ठीक है। और इसका कम्प्लीटली जो डाटा है दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग की कॉइलें बनाई हैं 30 नंबर एल्युमिनियम गेज से बनाया है, ठीक है। तो हम फर्स्ट कॉइल ले लेते हैं जो कि लूप वाली है, और लूप वाली में हमको इनर तार पकड़ना है, इनर तार देखना, और इनर तार हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ इसका रखना है इधर की तरफ, ठीक है, और ये आउटर तार इधर की तरफ रखना है, और इसको डालना है 1-4 के अंदर पेपर दबाने के बाद। तो ये जो कॉइल है प्यार से डल जाएगी बहुत ही आराम से, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। अब दोस्तों इसका सिरा हमने डाल दिया है, तो इस पर हम पेपर लगा देते हैं। और कई भाई हमें कमेंट करते हैं कि सर जो हमने पहले कॉइल डाल रखा था रनिंग का उसी के ऊपर हम डाल रहे हैं, तो उसका नीचे का पेपर हटा दे क्या? तो मैं आपको कहूँगा कि वो पेपर आप ज़रूर जो है कभी ना हटाएं, नहीं तो क्या होगा कि आपकी कॉइल जो है रनिंग स्टार्टिंग के साथ जो आपस में एक टच हो जाएगी। तो पेपर डाले इसलिए जाते हैं, ठीक है, कि आपस में शॉर्ट ना हो। तो आपको पुराना पेपर जो लगा हुआ है वो लगा ही रहने दें, ऐसा ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिरा इसका डाल दिया है, और दूसरा सिरा 1-4 में हम इसका जो है डाल लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे जो है हम इसको डाल लेते हैं दोस्तों 1-4 में हमने कॉइल को डाल लिया, आप अच्छे से देख सकते हैं, ओके। और इस कॉइल को जो है अब हम पीछे की तरफ खींच लेंगे, तो
पीछे की तरफ खींच लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा आगे से सेट कर देंगे, और जो लूप निकल रहे हैं ना ये बीच में निकले रहेंगे, इनको ऐसे ही रहने दें। अब जो है हम कॉइल को 1 से 6 में डालेंगे, दो बार मुड़ कर। 1 से 4 में हमने एक बार डाल दिया है, 1 से 6 में हम इसको दो बार मोड़ कर डालेंगे। तो कॉइल को ऐसे पकड़ना है, सेम तरीके से डालना है, सभी कॉइल ऐसे पकड़ना है और ऐसे मोड़ना है और 1 से 6 वाले स्लॉट में डाल देना है। तो जैसे हमने रनिंग कॉइल को इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे कॉइल की लेंथ बताएं हम, तो रनिंग में हमने जो है 29 नंबर एल्यूमिनियम गेज लिया था रनिंग के अंदर, और उसकी लेंथ की थी 25.5 इंच कॉइल की, ठीक है। और यहाँ हमने 1/2 इंच कम कर दी है, ओनली 25 इंच ही चल रहा है कॉइल की लेंथ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 1/2 इंच हमेशा स्टार्टिंग में कम कर सकते हैं। और 120 टर्न है 30 नंबर से, और जो लूप वाली उसके अंदर 130 टर्न है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक बार और मोड़ करके डाल लेते हैं, इस तरफ मोड़ करके इसी के ऊपर डाल लेते हैं 1 से 6 में। दोस्तों 1 से 6 में हमने मोड़ के इसको डाला है, और इस पर हम जो है पेपर लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम 7 नंबर फिल्म पेपर का यूज़ कर रहे हैं, आप 5 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इधर भी ये सिरा हम इसके ऊपर जो है डाल लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा दोस्तों एक कॉइल डल के कम्प्लीटली कम्प्लीट हो चुका है। अब हमको सभी कॉइलें जो हैं इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, इधर घुमा करके ऐसे ही 1 से 4 में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 से 6 में इसी तरह से सभी कॉइलों को डालते रहना है। और हमको जो है कनेक्शन आउटर से आउटर में जाने चाहिए, इनर से इनर में, ये ध्यान हमको रखना है। तो हम सारी कॉइल बाकी की डाल लेते हैं और वीडियो को थोड़ा सा कट कर देते हैं ताकि आपका भी टाइम बच सके। तो दोस्तों हमने सारी कॉइलें डाल ली हैं, अब हम रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो है थोड़ा थोड़ा गैप बना के इसके बीच में या तो पेपर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हम इसमें जो है टेप लगा सकते हैं। तो एक कॉटन टेप है, इसको हम इसमें लगा देते हैं, और ये क्या करेगी रनिंग स्टार्टिंग के जो है बीच में जा करके इसको लगाना होता है, इसको भिड़ने नहीं देती है। ये हम पहले भी कर सकते थे लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसमें बाद में लगा रहे हैं। तो हमने कॉटन टेप जो है दोनों साइड इसमें लगा लिया है। दोस्तों 3 स्पीड कनेक्शन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। हमने पंखे की कम्प्लीटली वाइंडिंग कर ली है, टेप वगैरह लगा लिया है, ठीक है, और उसके कनेक्शन। अब देखिए रनिंग के 2 तार हैं, एक तो ये वाला है पहली कॉइल का इनर तार, एक चौथी कॉइल का इनर तार, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग का है पहली कॉइल का इनर तार, चौथी कॉइल का इनर तार, और स्टार्टिंग की एक कॉइल थी जिसमें हमने 2 लूप दिए थे, 60 टर्न पे, फिर दूसरा फिर से 60 टर्न पे, ये 2 लूप हैं। तो हमारे पास टोटल 6 तार हैं, ठीक है। तो इसके कनेक्शन आप ध्यान से देखिए, ये 3 स्पीड कनेक्शन आप किसी मोटर में कर सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले आपको कोई एक रनिंग का तार पकड़ना है, एक स्टार्टिंग का पकड़ना है। तो हम जो स्टार्टिंग की ये वाली पहली कॉइल हमारी लूप वाली, इसका पहला ये तार पकड़ लेते हैं, ठीक है, पहला तार। तो मोटर वो डिपेंड करेगा इसका कनेक्शन जो है आप किस साइड उसको घुमाना चाहते हैं। अगर आप इस तरह मोटर को चलाना चाहते हैं एंटी क्लॉक यानी कि उल्टा चलाना चाहते हैं, कई मोटर उल्टे पंखड़ी उल्टी होता है तो उल्टे पे स्पीड देती है, तो इसके एंटी क्लॉक कनेक्शन है, तो इसमें एंटी क्लॉक करना सिखाऊंगा। तो एंटी क्लॉक में तो आपको क्या करना है कि एक स्टार्टिंग की पहली कॉइल का पहला इनर तार पकड़ लेना है और एक रनिंग की चौथी कॉइल का पकड़ना है और इनको आपस में जोड़ना है। अगर आप उल्टा चलाना चाहें तो क्या करना है, पहली कॉइल का पकड़ लेना, रनिंग का भी पहली कॉइल का और स्टार्टिंग की भी पहली कॉइल का। तो हम एंटी क्लॉक घुमाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग की पहली कॉइल का पहला तार इनर तार और रनिंग की चौथी कॉइल का इनर तार पकड़ के इसको एक बना लेंगे, कॉमन कर लेंगे इनको पहले हम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है।
अब जो हमने कोमन बनाया दोस्तों, इसको पहले अच्छे से साफ कर लें, ठीक है, फिर इसको कनेक्शन देना है। इस पे हम दोस्तों एक रेड वायर जोड़ेंगे, रेड वायर, तो हम एक रेड वायर ले लेते हैं और इस पे जोड़ देंगे। तो ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, तो इसमें क्या करेंगे हम बाद में सोल्डरिंग भी इस पे कर देंगे ताकि ये कनेक्शन जो है लूज वगैरह ना हो बाद में। तो आप देख सकते हैं हमने इस पे रेड तार जोड़ दिया है। अब हमारे पास एक रनिंग का तार बचा है, एक स्टार्टिंग का तार बचा है। तो स्टार्टिंग का तार जो है बचा है उस पे एक पीला वायर जोड़ दें। ये पीला वायर दोस्तों कैपेसिटर के लिए जाएगा, ओके, कैपेसिटर के लिए। तो हम इस पे दोस्तों जो है पीला वायर यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, बाद में इस पे सोल्डरिंग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये रनिंग का तार बचता है। इस रनिंग के तार पर हम दो वायर जोड़ेंगे, एक तो पीला वायर जो कि कैपेसिटर के लिए होगा, एक नीला वायर जो कि कॉमन बनाएंगे, ठीक है। तो हम दो तार ले लेते हैं और दोनों को इसके ऊपर जो है अच्छे से जो है ज्वाइंट करेंगे। इस पर भी हम सोल्डरिंग करेंगे। तो हमारे पास दो पीले तार हो गए, ये कैपेसिटर के लिए हो गए दोनों। ये हमारे पास जो रेड वायर है ये हाई स्पीड का है। अब हमें दो वायर और ले लेना है अलग कलर में, तो मैं एक वाइट वायर ले लेता हूँ। हमारा फर्स्ट लूप, ठीक है, तो इस कॉइल में हमारा जो फर्स्ट लूप है ये वाला, तो इस पे जो है इस पे हम जोड़ देंगे। तो ये स्पीड के लिए काम करेगा, स्पीड बनाने के लिए, ठीक है, थ्री स्पीड के लिए। तो इस पे हम अच्छे से इसको ज्वाइंट कर देते हैं, बाद में इस पे सोल्डरिंग करेंगे। जो दूसरा लूप है उस पे भी हम एक वायर जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम सोल्डरिंग करके स्लीव चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये दो तार पीले जो हैं ये कैपेसिटर के लिए, ये हमारा कॉमन वायर, ये हमारा हाई स्पीड का वायर रेड लाल, ये हमारा जो है मीडियम स्पीड का एंड लो स्पीड का, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो मैं इस पे कम्प्लीटली इस पे जो है सोल्डरिंग करके इस पे स्लीव चढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों हमने इस पे सोल्डरिंग करके कम्प्लीटली स्लीव चढ़ा लिया है। अब इन सभी तारों को जो है एडजस्ट करके इस पे हम मोटर पे जो है हम धागा मार लेते हैं, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस थोड़ा सा तेज हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा देखने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, ये शुरू का वीडियो था ये, तो शुरू में जो चल रहा था काफ़ी क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसमें भी अब अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी है आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में तो आप ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे कुछ आधे तारों को मैं एक साइड कर लेता हूँ, आधे तारों को एक साइड में कर लेता हूँ, उस पर अच्छे से धागा मारना है। और धागा मारने के बाद दोस्तों इसको क्या है कि कूलर की मोटर है तो इसमें पानी जाने का खतरा भी रहता है, तो इस पर जो है इसको वाटरप्रूफ भी आप बना सकते हैं या इस पर ऊपर टेप वगैरह लगा सकते हैं, इसमें अच्छे से वार्निश कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा वाटरप्रूफ हो जाएगा ये मोटर। तो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अगर किसी कूलर की मोटर में बार बार पानी जा रहा है या उसको वाटरप्रूफ बनाना है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि मोटर को वाटरप्रूफ कैसे करें, ओके। तो कम से कम जो है जिसके पानी की वजह से जो ख़राब ना हो, ठीक है। तो पानी की वजह से ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार। तो हम इस पर जल्दी से धागा मार लेते हैं, फिर इसकी जो है आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह का मोटर जो है ये वर्क करता है, ओके। और इस मोटर का जो है सारा डेटा, वाइंडिंग डेटा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप वहाँ से सारा डेटा जो है ले सकते हैं। और बेझिझक इस तरह की कोई भी मोटर आए उसमें बेझिझक ये डाटा लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डाटा जो है हमने खुद बनाया है और इस डाटा से काफ़ी अच्छी स्पीड आपको मिलेगी और मोटर एम्पियर भी काफ़ी कम लेता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा डाटा है और मोटर भी काफ़ी कम हीट होता है इस डाटा पे,
और सही स्पीड पर चलता है। तो ये एल्युमिनियम का डाटा है, और कॉपर में अगर आप वाइंडिंग करना चाहो तो कॉपर में भी सेम डाटा लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसकी टेस्टिंग करके हम दिखाते हैं आपको। तो हमने मोटर को जो है सेट कर लिया है, पूरा का पूरा फिट कर लिया है। अब इसके हमने जो पीले तार हैं उसमें कैपेसिटर लगाना है, 3.15 का कैपेसिटर लगा सकते हो या 4 का कैपेसिटर लगा सकते हो, वैसे इसमें 4 का कैपेसिटर लगता है, ठीक है। और हमने एक रेड तार जो कि हाई स्पीड का है, और दूसरा कॉमन तार जो कि ब्लू तार है, तो ठीक है ये दो लगा लिए हैं। अब हम इसमें वोल्टेज देंगे, ओके, और वोल्टेज देखे इसकी स्पीड चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस पर वोल्टेज दे दिया और काफ़ी तेज़ी से ये चल रहा है, हमको मोटर भी पकड़ना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी स्पीड हमको मिल, इसकी आवाज़ भी आप सुनना चाहें तो लास्ट में मैं आपको इसकी थोड़ी सी आवाज़ जो है इसकी सुना दूंगा। मैंने यहाँ पे आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि बाहर जो है सॉन्ग वगैरह की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो का आवाज़ जो है ओरिजिनल आवाज़ म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे तो था हाई स्पीड टेस्टिंग, अब जो मीडियम स्पीड है उसमें हम चेक करेंगे, सॉरी जो लो स्पीड है उस पर चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो वाइट में हमने लगा दिया है, तो ये 3 स्पीड का वाइंडिंग है। तो इस तरह से आप किसी मोटर, तो यहाँ पे जो है स्पीड जो है इससे कम मिल रही है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लो स्पीड है, ओके। और वीडियो में थोड़ा सा स्पीड जो है समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हाई एंड लो स्पीड कर लिया, अब मीडियम को भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मीडियम स्पीड है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीडियम स्पीड मिलेगा, ये मीडियम स्पीड हो गया हमारा, ठीक है। तो वीडियो में देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसकी आवाज़ आपको सुना के दिखा रहा हूँ हाई स्पीड में। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।